नमस्कार। छोटी सी उम्र में अपनी भरतनाट्यम प्रतिभा का जादू दिखाकर लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। इनकी प्रतिभा का जादू देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। जी हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि बाल नृत्यांगना गिन्नी सहगल जी हैं। आइए मिलवाते हैं आपको गिन्नी सहगल जी से। नमस्कार गिन्नी जी। नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा प्रश्न ये गिन्नी जी कि आपके एक कामयाबी के सफ़र में किस किस का साथ मिला आपको? मेरी पूरी फैमिली मेम्बर्स का एंड पापा और मम्मा का बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट मिला। और किसका मिला? मेरी बुआ का, मेरी दादी का और मेरे छोटे भाई का। कितना उतार चढ़ाव रहा इस सफ़र में? थोड़ा बहुत। ये नृत्य के साथ साथ आप पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हैं? जब मैं जैसे डांस के लिए जाती हूँ तो मैं जब कार में बैठी रहती हूँ तो जब जैसे मेरे पास जब फ्री टाइम रहता है तो मैं अपनी बुक साथ में लेके चलती हूँ, जो जितना मैं पढ़ सकती हूँ। जब तक वहाँ पे नहीं पहुँचते तो मैं उतना पढ़ती हूँ। ये नृत्य की तालीम आपने कहाँ से हासिल करी और आगे क्या उपदेश है आपका? मैंने हार्ट एंड सोल से अपना भरतनाट्यम सीखा है। मेरा 5 साल पूरा हो चुका है प्रभाकर से और 2 साल विशारद से पूरे हो चुके हैं। और आगे तो अभी बहुत बचा है भरतनाट्यम का, अभी तो बस थोड़ा सा ही किया है, अब तो बहुत बचा है। लेकिन आगे और भी कुछ सोचा होगा इसके बारे में? हाँ, मेरा 2 एम्स हैं। एक तो कि मुझे अपनी मम्मा को अमिताभ बच्चन सर से मिलाना, क्योंकि उनके फेवरेट हीरो हैं। और दूसरा एम ये है कि मैं एक बड़ा सा स्कूल खोलूँगी जिसमें स्लम एरियाज़ के बच्चों को, जिसमें जो भी उनकी टैलेंट है वो मैं बाहर लाने की कोशिश करूँगी। अच्छा, हमने ये सुना है कि आप नृत्य के साथ साथ समाज सेविका का भी काम करती हैं, ये समाज सेवा कहाँ तक आप ले जाएंगी? मैं बहुत हाई लेवल तक ले जाऊंगी, क्योंकि जो कैंसर के पेशेंट्स से, हालांकि जो बच्चे हैं उनको मैं ज़्यादातर जैसे कभी कहीं टॉयस, बुक्स, ट्राईसाइकल्स और जो भी चीज़ें मैंने अपने जो मैं पैसे मुझे मिलते हैं डांस से वो मैं उनके ऊपर खर्च करती हूँ। आपने शॉर्ट मूवीज़ वगैरह भी करी हैं, अगर आपको बॉलीवुड में चांस मिले तो आप करेंगी? जी हाँ, मैं बिल्कुल करूँगी। मैंने 4 शॉर्ट मूवीज़ की हैं। एक है पिचकारी जो कि यूट्यूब पे आ चुकी है, आखिर माह हूँ 26 अप्रैल को उमरनाथ बली में 6 बजे दिखाई जाएगी, तो आप सबका आशीर्वाद मुझे ज़रूर चाहिए उसके लिए। और मैंने एक गवर्नमेंट ऐड किया है हेलमेट के ऊपर। अभी तक आपको बहुत सारे अचीवमेंट अवार्ड मिल चुके हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें साझा कीजिए। और मुझे वैसे बहुत सारे मिले हैं, पर जितने मुझे जो मेन जो मुझे याद है मैं वो बताती हूँ। एक अवार्ड मुझे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में मिला था, एक मुझे नेपाल में मिला है, और हिंदुस्तान की बेटी अवार्ड मुझे दिल्ली में मिला है, और लखनऊ महोत्सव में और इन सब में भी मुझे काफ़ी मिला है, और मुझे गवर्नमेंट सर के भी द्वारा मिला है। बच्चों के लिए क्या आप संदेश देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताइए, और आपके पेरेंट्स उसे पूरा करने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, गिन्नी सहगल जी ने मेरे सभी सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया। उन्होंने बताया कि उनके सफ़र में उनकी बुआ, मम्मी पापा, उनकी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला है उन्हें, और आगे चल के वो बॉलीवुड में भी अपना सफ़र शुरू करना चाहती है। मैं कैमरा पर्सन अबुल हसन के साथ मनु तिवारी, Alive24 न्यूज़, लखनऊ। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे Alive24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।